एक्सरसाइज देखते हैं मॉडल की। सीता लीव द स्कूल एट 4 o'clock, यानी सीता 4 बजे स्कूल क्या कर सकती है, स्कूल से जा सकती है, छोड़ सकती है। इस सीता 4 बजे स्कूल से जा सकती है, इसका मतलब समझ जाओ सीता को क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। क्या दी जा रही है? अनुमति, यानी परमिशन की बात आ गई। ये सीता 4 बजे जा सकती है, यानी यहाँ परमिशन दे रहे हैं हम सीता को, अनुमति देने में, अनुमति लेने में किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करना है। जब अनुमति किसी को देते हैं वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करना है। तो वाक्य बन जाएगा सीता मे लीव द स्कूल एट 4 o'clock, यानी जहाँ अनुमति दी जाती है कि 4 बजे सीता जा सकती है, ये अनुमति दे रहे हैं सीता को, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, MAY मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखना है अनुमति देने में किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर, विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, जिसे हम ड्यूटी बोलते हैं। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, इसका मतलब उनकी ये ड्यूटी है, और ड्यूटी किसके अंदर आती है, शुड के अंदर आती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन अगर हो मस्ट का तो मस्ट भी आंसर आपका सही माना जाएगा, मस्ट ना हो तो शुड आपका आंसर सही है। ही स्विम इन द रिवर, स्विम माने तैरना, SWY, वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरता है, यह उसकी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है कि वह नदी में क्या करता है, तैरता है। एबिलिटी कैपेसिटी प्रेजेंट की हो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, अपने को कैन मॉडल का प्रयोग करना है कि वह नदी में तैर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी एबिलिटी है, तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखने वाली आपको नियम ध्यान रखना है कि ये ड्यूटी का वाक्य शुड के अंदर आ रहा है, अनुमति दे रहे हैं वहाँ मे का प्रयोग करेंगे, योग्यता एबिलिटी कैपेसिटी हो वर्तमान की हो वहाँ किसका प्रयोग करना है, कैन मॉडल का प्रयोग करना है। यू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी सलाह लेनी चाहिए। इसका मतलब हम उसको ये क्या दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, ये हम उसको ये सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमने उसको एक सुझाव दिया। तो सजेशन एडवाइस काउंसिल, यानी कि परामर्श सलाह और सुझाव, परामर्श सलाह और सुझाव तीनों ही कौन से मॉडल के अंदर आता है, तीनों ही शुड के अंदर आता है, चाहे सजेशन हो चाहे एडवाइस हो चाहे काउंसिल हो, ये तीनों ही सलाह सुझाव और परामर्श याद रखना है किसके अंदर आता है, शुड के अंदर आता है। बस वाक्य आपको पढ़कर पहचान करनी पड़ेगी कि सलाह सुझाव परामर्श का वाक्य है या नहीं है। यू लुक आफ्टर योर ओल्ड फादर, तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की लुक आफ्टर मैंने क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यू तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। मस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं और शुड के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, आपका कर्तव्य है तो वहाँ पर यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड फादर, तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की मदद करनी चाहिए। ए सोल्जर बी इन द यूनिफॉर्म, एक सैनिक को यूनिफॉर्म में होना आवश्यक है, ये नेसेसरी है या कंपल्सरी कह दो, भली अनिवार्य, जिसे हम कहते हैं कोई काम करना अनिवार्य है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है, कंप्लीशन है, कंपल्सरी है, आपको समय पर आना अनिवार्य है, परीक्षा देनी अनिवार्य है, तो ये अनिवार्यता जो है ना वो किसके अंदर आती है, याद रखना है अनिवार्यता कंपल्सरी कंप्लीशन या नेसेसरी कह दो, नेसेसिटी कह दो, वो किसके अंदर आती है, मस्ट के अंदर आती है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो ए सोल्जर मस्ट बी इन द यूनिफॉर्म, एक सैनिक को यूनिफॉर्म में आना सॉरी आवश्यक है। तो ए सोल्जर मस्ट बी इन यूनिफॉर्म, यानी कि अनिवार्यता है सोल्जर को यूनिफॉर्म में रहने की। ही प्ले क्रिकेट वेल, वो क्रिकेट अच्छा खेलता, वह उसकी ये एबिलिटी में आता है कि वो क्रिकेट खेलता अच्छा, लेकिन कब खेलता, वेन ही वॉज इन द स्कूल, जब वो कहाँ होता था,
स्कूल में ये बाद स्कूल आ गया, इसका मतलब किस कब की बात कर रहे हैं हम? भूतकाल की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं कर रहे, कौन से काल की बात कर रहे हैं? स्कूल काल की। कि वह क्रिकेट अच्छा खेलता था, ठीक है, इतना ही बाकी होता तो एबिलिटी के अंदर आता, कैन का प्रयोग करते। लेकिन वह क्रिकेट कब अच्छा खेलता इसके लिए वाक्य जोड़ के दिया है, व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वह कहाँ था, स्कूल में था, यानी भूतकाल की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी या कैपेबिलिटी हो, भूतकाल की योग्यता या क्षमता हो, वो कैन के अंदर नहीं आएगी, वो किसके अंदर आएगी? कूट के अंदर आएगी। भूतकाल की योग्यता या क्षमता किसके अंदर आएगी? खुद के अंदर आएगी। तो स्काई इज क्लियर, आकाश क्लियर है, मतलब क्या है? साफ है आकाश, साफ है तो बारिश होने की संभावना, तो ये पॉसिबिलिटी हो गया ना। पॉसिबिलिटी कल कराया था मैंने कि संभावनाएं कितने प्रकार की होती है, छिन्न संभावना किसके अंदर आती है? जब आकाश साफ है तो बारिश होने की संभावना क्या है? छिन्न है, यानी कम है, हो सकती है, उससे अपने को मतलब नहीं है। संभावना क्या कहती है? तथ्य क्या है कि आकाश क्या है? साफ है। जब आकाश ही साफ है तो बारिश की संभावना भी ना के बराबर है, और संभावना कम हो वहाँ MIGST माइट का प्रयोग करेंगे। जहाँ संभावना कम आती है वहाँ माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है, संभावना ज़्यादा आती वहाँ मे मॉडल का प्रयोग करेंगे, संभावना कम आती वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने मे का, शुड का, कैन का, मस्ट का, कुड का और माइट का प्रयोग किया। क्यों किया इस पर आप गौर करें कि किस कारण इनका हमने प्रयोग किया है, क्यों नियम, कौन सा नियम लगाया, कैसे पढ़ा वाक्य को, ये आपको मॉडल की नियम पढ़ने से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी कि इसके साथ मैं ही लगाएंगे। इसका मैंने बता भी रहा हूँ साइड में कि किसके साथ क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण भी बता रहा हूँ कि इसमें छीन संभावना है, कम है, कैसे कम है, इसका कारण क्या है, ये आपको गौर करना है।